तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर यहाँ पे आप लोग के लिए साइंस का क्वेश्चन हम लोग लाए हैं जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है जो आप लोग आसानी से याद करिएगा और नंबर अच्छा खासा मैट्रिक में आप लोग ला सकते हैं। इसलिए प्रयास करिए कि इसको अंतिम तक वीडियो देखने के लिए कि जिससे आप लोग को हर एक चीज़ भी याद हो जाए, है ना। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, है ना। कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि अपघटन का उदाहरण है, तो अपघटन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो कवक जो है हम लोग का अपघटन का उदाहरण हो सकता है। कवक अपघटन का उदाहरण, अपघटक का उदाहरण क्या है, कवक है, अपघटक का उदाहरण कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण का हिस्सा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है, तो इसमें से सभी जो है पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण, पर्यावरण यानी आसपास में हमारे जो भी चीज़ है वही क्या होता है, पर्यावरण होगा। जैसे वायुमंडल भी हम लोग का पर्यावरण है, जलमंडल भी वायु पर्यावरण है, और स्थलमंडल भी क्या है, हम लोग का पर्यावरण में ही आता है। तो ये सब आसपास में जो भी चीज़ है हम लोग का, ये पर्यावरण में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषक स्तर हैं, है ना। एक यहाँ पे एक कह रहा है क्या कि एक जो है वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो इसमें जो होता है कितने पोषी स्तर होते हैं, तो तीन पोषी स्तर होते हैं। तीन कितने होते हैं, तीन पोषी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हम लोग का होता है किस में, तो ये जो होता है एक दिशीय में होता है, एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में होता है। देखिए कितना बार पूछा है क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, जो भी क्वेश्चन 20-22 है ना, देखिए 20-22 में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में, है ना। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में ही होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरो टू का संबंध है, तो यूरो टू का संबंध क्या है, तो यूरो टू का संबंध जो होता है वायु प्रदूषण से है। यूरो टू जो है हम लोग का किससे संबंधित है, तो प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन जो है आवर्धन प्रदर्शित करने वाला है डीडीटी है ना। डीडीटी जो है ये कीड़ानाशक दवाई होता है, डीडीटी जो होता है कीड़ानाशक दवाई होता है, ये कीट पतंगों को या खरपतवार को मारने वाला, डीडीटी खरपतवार को मारने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत का ह्रास जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो ओजोन परत का ह्रास जो होता है हम लोग का किसके द्वारा होता है, तो ओजोन परत का ह्रास CFC के कारण, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है ओजोन का, और इसी को क्षय करता है, और किससे निकलता है ये, तो ये रेफ्रिजरेटर से, AC से, है ना, ये सब से निकलता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में, ओजोन मंडल वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, अभी हम लोग पढ़े हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत का क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्या करता है, क्षय करता है, उसके छेद करने में बहुत ही इसका बड़ा योगदान है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा होता है, तो वन हो जाएगा, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो देखिए निर्माण आहार श्रृंखला क्या होता है, देखिए सबसे पहले घास उगेगा, घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को फिर कौन खाएगा, मानव। तो ये एक आहार श्रृंखला बन गया, समझ में आ रहा है, ये एक आहार श्रृंखला बन गया, इसलिए घास, बकरी और मानव हो सकता है ना। लेकिन बकरी गाय हाथी होगा, नहीं होगा, क्योंकि बकरी को गाय नहीं ना खाएगी, इसीलिए, समझ में आ रहा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन समूह में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो होता है हम लोग का B नंबर घास, लकड़ी और प्लास्टिक जो होता है, ये जो होता है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ये जो होता है क्यों दिया जाता है, तो ये जो है दिया जाता है क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, नहीं, हाँ ये देखिए ये वाला जो है
अमृता देवी बिश्नोई जो है ये जो होता है जीव संरक्षण क्षेत्र की उत्कृष्ट सेवा के लिए जीव का संरक्षण करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा होता है, डीडीटी जो होता है, आपको बताए थे कि डीडीटी जो होता है ये जो होता है कीड़ानाशक या खरपतवार नाशक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो जलीय आहार श्रृंखला कौन सा है, जलीय आहार श्रृंखला हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो इसमें का बी हो सकता है कौन, तो शैवाल, शैवाल का जलीय कीट खाएगा और जलीय कीट को कौन खाएगी, मछली खाएगी, तो ये जलीय हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा हो सकता है, तो भूमिगत जल का उदाहरण हम लोग का कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा होता है जैव प्रक्रम द्वारा, तो ये जो होता है सूखे घास पत्ते जो है जैव प्रक्रम द्वारा खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्या प्लास्टिक बैग खत्म होगा, जल्दी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, इसीलिए जैव प्रक्रम द्वारा कौन है तब घटित होने वाला पदार्थ हम लोग का सूखे घास व पत्ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे, तो जंगली जानवरों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, जंगली जानवरों को किसके श्रेणी में, तो उपभोक्ता, जंगली जानवरों को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, जंगली जानवरों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, दो क्वेश्चन दे दिया है क्या, हाँ जंगली जानवरों को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, उपभोक्ता उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, चलिए देखिए 14 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सही आहार श्रृंखला है, तो सही आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा, घास, हिरण और शेर, घास को हिरण खाएगा और हिरण को कौन खा लेगा, शेर, तो यही है। चिड़िया को सांप खा सकता है, यदि सांप मान लीजिए चिड़िया को मिलवा नहीं करेगी तो सांप कहाँ मिलेगा, सांप को फिर घास नहीं ना खाएगा, इसीलिए चाहिए भी नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग कनेक्ट करें ओजोन अणु, ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, देखिए अभी बताए थे हम लोग ओजोन का कितना होता है O3 होता है, तो 3 जो होता है यही 3 होता है, समझ में आ रहा है, 3 जो होता है यही 3 होता है, ये वाला 3 तो वही 3 होता है, कितने परमाणु संख्या होता है, तो 3। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ओजोन परत की क्षय का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन परत की क्षय का अभी हम लोग पढ़े हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाए, तो शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, और शाकाहारी जो है क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, मैंने ये दिखाता है शाकाहारी कोई भी चीज़ घास उस खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं, उत्पादक, ऊर्जा को ग्रहण कौन करेंगे, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों हम लोग कहा कि किसी पारिस्थितिक तंत्र की जैव घटक होते हैं, तो जैव घटक कौन से हो जाएंगे, तो जैव घटक गेहूं, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव जो होता है क्या होता है, जैव घटक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो तृतीय उपभोक्ता देखिए तृतीय उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा, तो डिसर्प हो जाएगा, सर्प, जैसे सिंपली हम लोग मान लीजिए एक छोटा सा चूहा जो है, चूहा घास उस मान लीजिए अनाज खाएगा, अनाज को कौन खा लेगा, चूहा खा, अनाज को चूहा खाएगा, समझिए पहले अनाज होगा, अनाज, अनाज को कौन खाएगा, चूहा खाएगा, और चूहा को फिर कौन खाएगा, सांप खाएगा, तो तृतीय उपभोक्ता में कौन सा आ जाएगा, सांप आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सांप, सांप हम लोग का सर्प, सर्प आ जाएगा, ठीक है, सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण कौन सा है, तो हिरण जो है हम लोग का प्राथमिक आ जाएगा, क्योंकि घास को कौन खाएगा, तो हिरण खाएगी, है ना, तृतीय में शेर आ सकता है, सर्प आ सकता है, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का कह रहा है कि कूड़े कचड़े को एक जगह एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीकों से निपटारा करना जो है, वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है, तो ये जो होता है कचरा प्रबंधन कहलाता है, कचरा प्रबंधन क्या हो जाएगा, कचरा प्रबंधन। फिर कह रहा है कि किसी मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है, तो मानव निर्मित पारितंत्र का नाम क्या है, बगीचा है, मानव निर्मित पारितंत्र का जो है नाम है क्या है, बगीचा है, है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे कि किसी स्थलीय पारितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये जो होता है 1% द्वारा जो होता है सूर्य के ऊर्जा को कितने प्रतिशत हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, 1% कर लिए जाते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह सर्वानुमति बनी कि CFC उत्पादन में 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, यह सर्वानुमान किस वर्ष मानी गई है,
तो ये जो होता है सर्वानुमान जो है हम लोग का 1887 में माने गए हैं, 1887 में मानी गई है, कितना में, 1887 में। तो ये जो है आज हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी हैं आप लोग इसको प्रयास करिएगा पढ़ने का पूरा बढ़िया से कि आप लोग को याद हो जाए। ओजोन परत O3 इसको याद रखिएगा, किसके कारण होता है ओजोन का क्षय, तो CFC के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा CFC के कारण। इसलिए हम आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि पूरा हर एक चीज़ को बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताएं कि आप लोग याद कर लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही हर एक वीडियो में हम आप लोगों को बहुत बढ़िया से तरीके से, ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन को हम प्रयास किए हैं कि आप लोग को समझाते हुए चले कि जिससे आप लोग को आसानी से याद हो जाए और आप लोग को आराम से याद होगा तो आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।